ज्यांची ज्यांची भीती वाटत होती, कंसाला ज्यांची ज्यांची भीती वाटत होती त्या सगळ्यांना त्यांनी तुरुंगात टाकलं होतं, अगदी देवांना सुद्धा तुरुंगात टाकलं होतं कंस मामाने। शेवटी त्याच तुरुंगात श्रीकृष्णाचा जन्म झाला आणि त्या श्रीकृष्णाने कंसाचा वध केला। या देशामधली परिस्थिती नेमकी त्याच पद्धतीची आहे। आमच्या कंस मामाला भीती वाटते सगळ्यांची, आणि ज्याची भीती वाटते त्या सगळ्यांना तो तुरुंगात टाकतो। सबसे बडा फंडिंग जो है अरविंदो फार्मा, बराबर ना, अरविंदो फार्मा ने सबसे ज्यादा फंडिंग आपको नहीं किया है, केजरीवाल जी को नहीं किया है, ये फंडिंग किया है भारतीय जनता पार्टी को, और व्यक्तिगत तौर पर भी फंडिंग किया उसने। लेकिन जेल में किसको भेज दिया है? केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह जी को। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा संविधान आपने नया तरीके से लिखा है? हाँ, आपने चोर छोड़कर सन्यासी को फांसी दिया है। बाद में 30 करोड़ का दिया है, मालूम है ना, 35 करोड़। आज जब जेल में गया तो 5 करोड़ और फिर 35 करोड़। ये बीजेपी को पैसा मिला है लीकर घोटाले का, मध्य घोटाले का। तो जेल में कौन जाना चाहिए? केजरीवाल जी नहीं जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेल भेजना चाहिए ईडी ने। अगर ये ईडी ने गलत काम किया है तो हमारी सरकार जब आएगी तो आप देखिए कौन जेल में जाता है।